प्रदेश और स्वागत है आपका निक्साइ न्यूज में। इस खबर में हम बात करें आज मध्य प्रदेश को लेकर। जी हाँ, एक बार मध्य प्रदेश के सियासत भी हल्की हल्की गरमाती हुई नजर आ रही है। आम सी बात है कि चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कोई मामला कोई मुद्दा जरूर उठ रहा है। अब हम एमपी की बात करें तो बता दें आपको कि यहाँ पर शिवराज यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर, उनकी पत्नी पर एक बहुत बड़ा केस दर्ज हुआ है। और उसके साथ साथ बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के एक नेता है उन पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सजा भी दे दी है, वो अनोखी सजा है। वनों की सजा के बारे में तो आपको इस रिपोर्ट में डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बता दें कि उनकी बीवी पर, उनके वाइफ पर मानहानि का केस लगा है, 10,000 रुपये जुर्माना लगा है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो आम जिस तरह से आराम से अपनी सियासत में चल रहे थे तो अचानक से ये इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ आखिरकार कैसे टूट पड़ा, उनकी बीवी पर, उनकी पत्नी पर ये कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया। बताते चले कि कोर्ट के मामले में दोषी माना गया है यहाँ पर अजय सिंह को भी, जो कांग्रेस के नेता है। और यहाँ पर साथ ही साथ 9 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की पत्नी साधना सिंह के लिए खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दिया था, तो उसी वजह से कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार यहाँ शिवराज सिंह चौहान की पत्नी क्यों फंसी है, किस मामले में फंसी और अजय सिंह को यहाँ पर किस तरह की सजा दी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह यानी राहुल भैया को कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की मानहानि का दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें मामले में 10,000 रुपये जुर्माना और अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी दिग्गज नेता को अदालत में सजा के तौर पर खड़े रहने का आदेश दिया हो। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल शनिवार को एमपी एमएलएम के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साधना सिंह के आरोपों पर अजय सिंह को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना और अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में खड़े रहे। सुनवाई के दौरान अजय सिंह की ओर से पैरवी करने के लिए साजिद अली, संजय गुप्ता और विनीत गोदा मौजूद रहे। वहीं शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह की ओर से दीपेश जोशी उपस्थित थे। अजय सिंह के बचाव में उनके वकीलों ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोला था, इसलिए अजय सिंह ने भी कह दिया। हालांकि अजय सिंह ने कोर्ट के समक्ष बयान में ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। अदालत ने बचाव में ही दी गई दलीलों को मान्य नहीं किया। हालांकि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की मानहानि के मामले में बरी कर दिया गया। 9 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। 9 मई 2013 को सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। साधना सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आरोप था कि वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए आरोप लगाए गए थे। 9 मई 2013 को सागर में जनक्रांति जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद उन्होंने 4 जून 2013 को खरगोन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि साधना सिंह की असली पहचान बताइए। आगे उन्होंने कहा था कि साधना सिंह को मुख्यमंत्री नोट गिनने की मशीन के रूप में लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह की शिकायत पर अजय सिंह के खिलाफ 10 अक्टूबर 2013 को अदालत में 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। 16 जुलाई 2014 को अजय सिंह के मामले में जमानत भी कराई। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसके 16 जुलाई 2016 को खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई। 25 जुलाई 2016 को अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे। जी हाँ, ये पूरा मामला था, लेकिन आगे की जानकारी देते हुए चले तो बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ अनगल बातें बोलना भारी पड़ गया। दरअसल अजय सिंह के बयान को कोर्ट ने आपत्तिजनक माना है। बता दें 9 साल पहले दिए गए इन बयानों पर कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय सिंह को दोषी मानते हुए सजा भी सुनाई। वहीं आए फैसले में अजय सिंह को अदालत खत्म होने तक खड़ा रहने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दरअसल 9 साल पहले 2013 में अजय सिंह एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साधना सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद खरगोन में भी अजय सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। इस पर शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। साधना सिंह और शिवराज सिंह चौहान दंपति ने कोर्ट में आरोप लगाया कि अजय सिंह ने यह आरोप सिर्फ वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। बता दें कि अजय सिंह के इस बयान के बाद तब साधना सिंह बेहद विचलित हो गई थी। सीएम ने कोर्ट को बताया था कि वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। इस मामले में कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट की सज़ा के अनुरूप अजय सिंह दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अदालत में खड़े रहे। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधना सिंह के खिलाफ ऐसा बोला था, इसलिए अजय सिंह ने भी कह दिया। हालांकि अजय सिंह ने अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उनके बयानों में विरोधाभासी बातें भी सामने आई। न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान महेश्वरी की कोर्ट ने बचाव में दी गई दलीलों को मान्य नहीं किया। एमपीएलएमपी के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था। आगे बता दें कि 10 अक्टूबर 2013 को जिला अदालत में अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने 20 सितंबर 2017 को अदालत में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाए थे। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अजीत सिंह ने उन पर अनर्गल आरोप लगाए हैं, इससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ और मेरी पत्नी साधना तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। इस मामले में खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना इस घटना के बाद पूरी रात नहीं सो पाई थी। हालांकि कोर्ट ने अजय सिंह को दोषी मानते हुए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी किया है और ऐसी टिप्पणी देने करने के मामले में कांग्रेस नेता अजय सिंह को फटकार भी लगाई है। और मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया था जिसकी वजह से हर कोई इस मामले को लेकर लगातार डरता नज़र आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से सीएम की पत्नी पर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। वैसे तो किसी भी महिला पे कैसी भी टिप्पणी करना गलत बात है, लेकिन जब आपको मालूम है कि कोई आपसे पद में इतना ज़्यादा बड़ा है और आप लगातार उसकी आपत्तिजनक उस इंसान के लिए टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये आपके पद के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और हमने देखा है कि किस तरीके से कोर्ट ने 1 बजे से 5 बजे तक उन्हें कोर्ट में खड़ा रखा। ये कितना दर्दनाक उनके लिए रहा होगा, ये कितनी ज़्यादा बड़ी सज़ा है। यहाँ पर समझा जाता है कि किसी को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं चला करती है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी जिस तरीके से बता रहे कि साधना सिंह ढंग से सो भी नहीं पा रही थी और कितनी ज़्यादा उनको दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि पैसे गिनने की मशीन कहा जा रहा है। ये उनके करेक्टर पर बात की गई थी और जिसकी वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया था। और उसको देखते देखते ये चीज़ भी पता चली कि कांग्रेस पार्टी में आपसी में कोई भी नहीं बोला। यहाँ पर अजय सिंह अपने इसलिए स्टैंड खुद ही करते नजर आए, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह भी नहीं। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि यहाँ पर हमने देखा कि एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी अजय सिंह की तरफ से साधना सिंह को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ कोर्ट ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। मैं सजा सिर्फ इतनी थी कि खड़े रहना है, लेकिन वो कितनी दर्दनाक सजा थी, कितनी ज्यादा बेइज्जत करने वाली सजा थी, वो हमने इस रिपोर्ट में जान ही लिया। तो अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान काफी ज्यादा परेशान है इन सब मामलों को लेकर, तो यही देखना है कि कब तक पुनः याचिका होती है, इस पर कब फिर से कोर्ट एक बार मामले को देखते हुए तय करता है कि कौन गलत है और कौन नहीं सही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।